एमडीआरटी जितने भी बने हैं वो किससे चार्ज होते हैं? दिन भर है ना कि खत्म होगी ग्राहक है ना, ये कभी कभी उबड़ खाबड़ भी मिलते हैं, कभी कभी प्लेन गाड़ियां भी मिलती है, सब मिलेंगे, तो पेट्रोल तो खत्म होता है, लेकिन हम परफेक्ट है, आखिरी में पूरा खत्म हो गया, फिर भी धीरे 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 कोशिश कर रहे हैं और आखिरी में जान दे दी, छोड़ो LIC छोड़ो, क्योंकि वो ट्रेनिंग हम अटेंड नहीं करते। क्या करना, एक जैसी तो होती है, अरे कुछ भी एक सेंटेंस तो मिलेगा यार, बहुत कुछ नहीं मिलेगा तो एक सेंटेंस तो मिलेगा, बोले क्या जाना, चलो लाइफ में एक एडाउन हो गया, कुछ भी चीज एडाउन हो गई। सेकेंड, प्रोडक्ट पर, और यहां पर माइकल जॉर्डन जिसको आप जानते हैं, ये जब छोटा था ना तो उसके पिता ने उसको बोला कि यार ये एक डॉलर का शर्ट है, तू $2 में बेच गया। उन्होंने गए, उन्होंने वो शर्ट 6 घंटे की मशक्कत के बाद $2 में बेच दिया। वही शर्ट फिर उन्होंने बोला कि जा इसको $20 में बेच गया। बोले 20? बोले कैसे पॉसिबल है? बोले चलो करता हूं कोशिश। सोचा उसने, ब्रेन को जोड़ डाला, कैसे करूंगा इस चीज को, तो उन्होंने कुछ मिक्की माउस के पोस्टर एक अच्छे पेंटर के थ्रू उस पर बनवाया और एक स्कूल के जाके बाहर खड़ा हो गया, तो वहां पे एक बच्चे को मिक्की माउस लगा कि यार मुझे चाहिए टी शर्ट, पापा को बोला, पापा ने दिला दी, $20 काम खत्म। अब उसके पापा ने बोला $200 में बेचना है तेरे को ये $1 की टी शर्ट। कितने की? कितने में बेचना है? 200। उसने ये नहीं बोला कैसे, बोला हाँ। अब वो गया, सोचा कैसे करूं, 2-4 घंटे सोचने में लगाया। फिर वहां पे एक बहुत बड़ी अभिनेत्री आई हुई थी, हीरोइन, उसका सिग्नेचर बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके उस टी शर्ट के ऊपर लिया और उसको नीलामी में लगा दिया। हम नीलाम कर रहे हैं उसको, $10, $20, $50, $200 तक उसको मिल गए सिर्फ सिग्नेचर के पीछे। बहुत सारे लोग सिग्नेचर लेना चाहते थे, तो उसके पिता ने एक बात बोल दी कि तू जो भी काम करेगा ना उसमें हाईएस्ट लेवल पे करेगा, क्योंकि तू ये नहीं सोच रहा है कि उसमें क्या कमी है, तू सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं मेरे अंदर क्या करूं। आज हम देखते हैं कोका कोला इसके अंदर क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दो, इस बॉटल के अंदर कोई भी चीज है जो अच्छी है, है? लेकिन इसके मालिक को विश्वास है कि यही पिलाना है। क्या पिलाना है? तो हमारे बच्चे क्या पीते हैं? 50 पैसे की चीज ₹15 में पिलानी है, पिलाते हैं 50 पैसे की चीज और ₹15 में पिला देते हो। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरे को पिलाना, तुमको पीना, उससे क्या मतलब, तुमको ना पीना है या पीना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पिलाना है, मुझे पिलाना मैं पिला दूंगा। और ट्रिक सोचते कैसे, आमिर खान को खड़ा कर दिया, हेमा मालिनी को खड़ा कर दिया, वो हीरोइन को खड़ा कर दिया, सबको खड़ा कर करके इतना एडवर्टाइज करा कि वो कोका कोला भी अच्छी लगने लगी। तो आज हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो इंडिया की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है। कहते हैं 1 से 10 तक कब्जा इसका है, फिर 11 से दूसरा चालू होता है। सेकेंड नंबर पर कितने एजेंट्स है? 14 लाख एजेंट्स। थर्ड नंबर पे 4 करोड़ रुपए की इनकम क्रॉस कर चुके हैं एजेंट्स। फिर जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। इसके बाद इनके एजेंट को लोग देवता बोलते हैं साहब। जिस समय किसी घर की तकलीफ में होता है और पेशेंट पैसे लेके जाता है ना, तो वो देवता जैसा लगता है, सिर्फ इस कंपनी के। साथ में सुख के सब साथी, दुख में सिर्फ LIC। दुआओं का व्यापार है, क्या है, किस चीज का है? दुआओं का व्यापार है और अपार संभावना है, अपार। जितना चाहो उतना काम करो, जितना चाहो उतना काम करो। थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव माइंडसेट किसके साथ, और ये लोग नॉर्मल माइंडसेट के साथ जाते हैं। अब एक बार एक आदमी था, नॉर्मल कपड़े में था, गरीब से कपड़े में, क्या था, गरीब से कपड़े में था। वो गरीब से कपड़े में गया और एक जगह गया और उसकी पत्नी को भी लेके गया और सीधे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, और उन्होंने बोला कि वाइस चांसलर को बोला कि मुझे आपसे मिलना है। तो वो अंदर बैठा था, उसने बोला मुझे नहीं मिलना, बोले मुझे आपसे मिलना है, बहुत अर्जेंट काम है। तो वो बोला यार 3 घंटे बाद मिलूंगा, बोले मिलना है।
फिर उसने 3 घंटे ट्रांसफर किया, बोले मिलना है, फिर उसने 3 घंटे ट्रांसफर किया, शाम की 6 बज गई, नहीं मिल पाया, शाम की 6 बज गई, आखिरी में उन्होंने बोला मुझे बहुत अर्जेंट काम है बॉस, मुझे मिलना है। बोले यार वो सर बहुत बिजी है, वो कल मिलेंगे। कब मिलेंगे? वो कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। और फिर वो बंदा गया और $1 मिलियन की एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। वो दान करने आया था। कितने रुपए दान करने आया था? $1 मिलियन रुपए दान करने आया था। लेकिन वो अंदर बैठा इंसान जो एक माइंडसेट के साथ उसको कवर कर रहा था कि ये तो काम का नहीं है, और वहां से जो पैसा $1 मिलियन का चेक छोड़ दिया उसने। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट के साथ अंदर बैठा हुआ था कि यार ये तो 90% केस में अगर हम ग्राहक के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हम जो माइंडसेट के साथ जाते हैं, कहते हैं पॉलिसी तो वो खरीदेगा, खरीद ही नहीं सकता, हो ये तो मना ही करेगा, फिर 10 में से 1 ही खरीदते हैं, फिर आजकल तो पॉलिसी सबके पास है, फिर ये दूसरे का कस्टमर है, किसका कस्टमर है? इतने भयंकर माइंडसेट के साथ हम किसी को बेचने जाते हैं, कैसे मना नहीं करेगा? जिसके रूट्स खराब होते हैं उसके फ्रूट्स खराब होते हैं, जड़ खराब तो फल भी खराब, रूट्स खराब तो फ्रूट्स खराब। तो न्यू माइंडसेट के साथ जाओ, आई एम अ ग्रेट सेल्समैन, खुद पे विश्वास रखो, आई एम यूनिक, कुछ अलग करने वाला हूं मैं, आई एम ऑलवेज विनर, आई क्लोज ईच एंड एवरी डील 100%, कितना मैं करता ही हूं, नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइंडसेट बना के जाओ, मैं करता ही हूं, मैं हूं और मैं बहुत बेस्ट हूं LIC के अंदर। तो जिनके रूट अच्छे होते हैं उनके फ्रूट अच्छे होते हैं। तो हर मीटिंग के पहले एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको, क्या बताता हूं? एक छोटा सा तरीका, आपको कुछ भी नहीं करना है, आई एम द बेस्ट एंड विनर, ये आपको 20 बार बोलने के बाद मीटिंग में प्रवेश करना है। क्या करना है? क्योंकि आप जितनी गंदी गंदी चीज लेके आओगे ना घर से, वो सब बाहर रुक जाएगी और आई एम द बेस्ट एंड विनर अंदर जाएगा। क्या जाएगा? आई एम, लेकिन ये बोलना पड़ेगा जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करी, याद से ध्यान रखना, आई एम द बेस्ट एंड विनर, आई एम द बेस्ट एंड विनर, मैं एक विजेता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं 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 विजेता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, गाड़ी पे बोलते 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 जाओ। अगर तुम बोलते हुए नहीं गए तो जो पुराने माइंडसेट फंसे हुए वो बोलना शुरू कर देंगे अंदर से। कौन बोलेगा? पुराने माइंडसेट बोलना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी नेगेटिव कस्टमर से मिलते तो आपको क्या मिलता है? मैं बहुत पॉजिटिव हूं, बहुत पॉजिटिव, लेकिन मैं किसी नेगेटिव कस्टमर से मिल रहा हूं, मुझे लग रहा है वो कुछ नहीं देगा, नहीं कराएगा, तो भी आपको क्या मिलता है ये जानना चाहता हूं। एक्सपीरियंस सेकंड। जितेंद्र बाबू लग रहा है कि नहीं देगा है, फिर भी हम क्या चीज उठा के ला सकते हैं वहां से? सीख। क्या उठा के ला सकते हैं? सीख। कहते हैं पहले तो अर्निंग के चांसेस तो है, अर्निंग के चांसेस तो कुछ ना कुछ नोट दे सकता है, 1% तो है, बिल्कुल गरीब है। अगर आपने बोला तो 20 रुपए 50 रुपए की तो पॉलिसी करा सकता है, 100 की तो करा सकता है, अर्निंग के चांसेस है। सेकंड नंबर पे लर्निंग दे जाएगा, क्या दे जाएगा? क्या दे जाएगा सेकंड नंबर पे? क्या देगा? लर्निंग दे जाएगा। अरे हमने पढ़ाई नहीं की है बॉस, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की है, MBA किया है, MBA करने में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल क्या चीज होती है, कितने रुपए लगते हैं? 1 लाख से शुरू से 20-25 लाख तक, इतना तो लगेगा, फिर 2 साल आपके फुलटूस लगेंगे और बहुत मोटी फीस लगने वाली है। अब मास्टर इन LIC वो कैसे करें? मैं छोटा सा मैजिक रूल देता हूं आपको, छोटा सा। 8 सेमेस्टर है आपके पास, कितने हैं? कितने सेमेस्टर है?
याद रखना, कितने सेमेस्टर? 8 सेमेस्टर। अब हमारा है ना, पहले से ही गए हम पढ़ना लिखना चाहते नहीं, हम कुछ करना चाहते नहीं, बस जाके खड़े हुए, हमको तो डील फाइनल चाहिए। क्या चाहिए? अरे यार सेमेस्टर दे लो, एक बार इसकी पढ़ाई कर लो पूरी। लॉ ऑफ 100 मीटिंग्स, कितना याद रखना है इसको, लॉ ऑफ 100 मीटिंग्स। आपको पहले सेमेस्टर में 100 लोगों से मिलना है। अब ये 100 लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट किस चीज का देंगे? आपको सेल्स का, पैसे वैसे का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर आप शुरुआत कर रहे हो। पहले नंबर पे तो किस चीज का सर्टिफिकेट देंगे? कॉन्फिडेंस, हां मैं किसी से मिल सकता हूं। लेकिन नहीं, हमको तो क्या चाहिए पहले नंबर पे? पैसा। अरे कॉन्फिडेंस तो लाओ कि मिल तो लू, जूते खाना तो सीख जाऊं। हां सेकंड नंबर पे वो कॉन्फिडेंस देगा किस चीज का? मीटिंग फिक्स। 100 मीटिंग और कर ली तो मतलब अपन मीटिंग फिक्स करने में मास्टर हो गए। तो ये सेकंड सेमेस्टर हो गया, फिर 100 और करो, ये आपको क्या देगा? पॉलिसी एक्सप्लेनेशन में आप मास्टर हो जाओ। फिर 100 मीटिंग करना पड़ेगी, रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाएगी, वहां से आपको नीड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। फिर 100 मीटिंग कर लो, आप नीड जनरेट करने में मास्टर हो जाओ। फिर 100 मीटिंग कर लो, ऑब्जेक्शन हैंडल करने में मास्टर हो जाओ। फिर 100 मीटिंग कर लो, आप चेक लेने में मास्टर हो जाओगे। और फिर 100 मीटिंग कर लो, आप फॉलोअप करने में मास्टर हो जाओगे। एमबीए के बाद एक चीज और होती है, इंटर्नशिप करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? क्या करना पड़ती है? मतलब कहीं ना कहीं आपको फ्री में जॉब करना पड़ता है। तो ये 200 मीटिंग करना पड़ेगी। कितनी? ये टोटल कितनी हो गई? लेकिन ये पढ़ाई है ना, पैसा देती है। ये पढ़ाई पैसा भी देती है। आप जाओ मत, मुझे पॉलिसी सेल करना है। आप तो पढ़ाई कर रहे हो, बात खत्म हो गई आपकी, क्यों दिमाग लगाते हो? बोला 1000 के बाद मैं चेक करूंगा अपने आप को कि मैं एक्चुअल में कुछ कर पाया कि नहीं कर पाया। हाँ अब मेरे पैसे कमाने के शुरू, क्योंकि मैं अब LIC की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूं। लेकिन योग संयोग सारा LIC पैसा भी देती है, उसके बीच में आपका हाथ पे खर्चा वर्चा सब निकल जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे तो पहले दूसरी पांचवी मीटिंग से तो MDRT बनना है। अरे भाई MDRT की चप्पल के नीचे सोल देखो जरा, बहुत घिसे में, बहुत घिसे में है वो, बहुत तकलीफ में है वो, दिखते हैं ऊपर ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो जो पुरानी चप्पल देखोगे ना, बहुत घिसी हुई है वो, क्योंकि उन्होंने वो 1000 मीटिंग का खेल खेल चुके हैं। क्या कर चुके? 1000 मीटिंग का खेल खेल चुके हैं। 8-8 साल, एक अभी मैं इंदौर में मिला था, 8 साल का एक्सपीरियंस। मैं कितनी मीटिंग करी 8 साल में? बोले 300-400। मैंने क्यों? बोले बस करते धीरे धीरे करते हैं अपन। अगर मास्टर इन LIC का जादू देखना चाहते हो, जादू बोल रहा हूं जादू, कितनी मीटिंग करना पड़ेगी? 1000 मीटिंग करना पड़ेगी। या तो 3 महीने में कर लो, या 3 साल में कर लो, या 300 साल में कर लो। या तो 3 महीने में कर लो, या 3 साल में कर लो, या 300 साल में कर लो, आपकी इच्छा पे है। अगर आपकी वाकई इच्छा है तो ये गेम खेल लो, तो आप MDRT बन जाओ। लेकिन बस मैं तो 30 मीटिंग करूं और मेरे को बहुत सारा पैसा आ जाना चाहिए बस। अरे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम पहला सेमेस्टर पास नहीं करा तुमने तो अभी है जूते चप्पल घिसने वाला? नहीं, मेरे को तो चाहिए कंप्लीट, वो नहीं चाहिए। ये मीटिंग किस लिए करना है? एक साथ बोलो, किस लिए करना है ये मीटिंग? किस लिए करना है? अपने बच्चों की। ये मीटिंग किस लिए करना है? ये मीटिंग किस लिए करना है? ये मीटिंग किस लिए करना है? हर वो सपना जो आप चाहते हो। और ये मीटिंग किस लिए करना है? अपने बच्चों के भविष्य के, जीवन के। दूसरों को तो बहुत सिखाते हो कि यार 3-3 हजार रुपए जमा करो, 2-2 हजार रुपए जमा करो। मैं आपको सिखाता हूं, 1-1 मीटिंग करो, ये बाद में देगा। और ये किस लिए करना है?
थोड़ा तेज बोलो बन जाओगे, किस लिए करना है? तो ये 1000 मीटिंग करना है। अब वो कैसे करना है वो सिखाता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत कर बॉस, तू मीटिंग कर, तू फल की इच्छा मत कर। तो ये मीटिंग करना पड़ेगी, ये मीटिंग करना पड़ेगी। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा, कोई चांस नहीं आपके पास, ये तो आपको करना है। वॉल्ट डिज्नी, डिज्नी कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया इसने, 303 रिजेक्शन, कितने? जहां प्लान दिखाने जाए कि मैं ऐसा करने वाला हूं, बैंक वाला रिजेक्ट, बाहर निकल यहां से। 303 रिजेक्शन खेले, कितने झेले? लेकिन शर्म नहीं आ रही थी ना, तो चौथा 304 लेके पहुंच गया, पास हो गया। अब तुम्हारा टारगेट कहां लिखा है तुमको मालूम है? कि तुम कब मास्टर बनोगे? 85 में बनोगे, 150 में बनोगे, 200 में बनोगे, 300 में बनोगे, 400 में बनोगे? ये ऊपर वाले को डिसाइड करने दो, तुम डिसाइड मत करो। तुमको 1000 करना है, 1000 में 1 रुपया ना मिले तो भी करना है, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के भविष्य जुड़े हैं उससे। किसके? पूरी लाइफ जुड़ी हुई है, बस वो 1000 मीटिंग करना है। वो ना वो जूता मार के उठा दे वहां से, 100 बार रिजेक्ट कर दे, अरे अपने अंदर देखो काबिलियत कम है, बढ़ाएंगे, फिर मीटिंग करो, फिर मीटिंग करो, सब सीख जाओ, सब सीख जाओ। 90% एजेंट अगर फेल होते हैं। अब साधारण नहीं बनिए नेक्स्ट लेवल एडवाइजर्स, यानी हाई स्पीड इंश्योरेंस एडवाइजर, क्योंकि अब ट्रेनिंग हो रही है एडवांस इंटरनेशनल मॉड्यूल्स पर, जहां इंश्योरेंस एडवाइजर्स मास्टरी कर रहे हैं सेल्स में काम आने वाले विभिन्न विषयों पर, जैसे माइंड पावर, गोल सेटिंग एंड स्ट्रेटजी, सेल्स टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी, मीटिंग स्टेप्स एंड साइकोलॉजी, एडवांस नीड जनरेशन टेक्निक, प्लान प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स विद 30+ ऑब्जेक्शंस, फॉलो अप स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, रेफरेंस स्किल्स और MDRT, COT, TOT के काम करने के अति प्रभावशाली 24 तरीके। तो अपनी सेल्स और इनकम बढ़ाने के लिए आज ही शुरू करें हाई स्पीड MDRT ऑनलाइन ट्रेनिंग धनवान भव, और पाए मनी बैक गारंटी ऑफर, यानी लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है, अभी कॉल करें 7440525252।